गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाय, दिस इज़ विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज़ में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जो लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो है क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस लेसन को पढ़ाए जाने से पहले मैं आपको इसके ऑथर और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जिससे आपको चैप्टर को आसानी से समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानेंगे। इस लेसन के ऑथर हैं खुशवंत सिंह, जिनका जन्म 2 फरवरी 1915 दहाली पाकिस्तान में हुआ था, जो भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया। इनकी विशेषता पारंपरिक तरीका छोड़ नए तरीके की पत्रकारिता शुरू करना और इसे चलन में लाना था। इन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी काम किया। 1980 से 1986 तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। इनके कार्यों के लिए इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पंजाब रत्न से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने 20 मार्च 2014 को सुजान सिंह पार्क दिल्ली में अंतिम सांस ली। इस लेसन में लेखक ने एक ओल्ड लेडी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है, जो खुद उनकी दादी हैं। लेखक ने अपने चाइल्डहुड से लेकर के अपनी ग्रेजुएशन होने तक दादी के साथ बिताए पलों का बहुत खूबसूरती से चित्रण किया है। कैसे एक जनरेशन और अगली की अगली जनरेशन में कितना अंतर होता है, ये बताने की कोशिश की है। दादी के प्रति उनका लगाव और दादी का राइटर के प्रति, जानवरों, पक्षियों के प्रति प्रेम को मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। चलिए अब इस लेसन को पढ़ते हैं। ये लेसन लाइन टू लाइन होगा और जानते हैं इस लेसन को डिटेल में। चलिए अब लेसन की शुरुआत करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर्स वॉज एन ओल्ड वुमेन, कि जैसी मेरी ग्रैंड मदर हैं, वैसे जैसे कि दूसरों की ग्रैंड मदर होती हैं बूढ़ी, वैसी मेरी हैं। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, लगभग जितने सालों से मैं जान रहा हूँ, इसमें 20 सालों का जिक्र किया गया है, मैं उनको वैसा ही पा रहा हूँ जैसा पहले 20 साल पहले दिखाई देती थी। कैसी? ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड मीन्स जिनके चेहरों में झुर्रियाँ पड़ गई हों, ऐसी अवस्था। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा पहले जब यंग थी और सुंदर बहुत ज़्यादा थी ये देखने में। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और इनके एक हस्बैंड हुआ करते थे जो मेरे दादा थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था इस बात को लेकर के। विश्वास ना होने का मतलब है यहाँ पर कि उन्होंने इतने सालों तक, जन्म से लेकर इतने सालों तक उन्हें सिर्फ बूढ़ा ही देखा था, तो उन्हें विश्वास नहीं होता था। माई ग्रांड मदर ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट, जो मेरे दादाजी की जो फोटो थी, हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस जो होता है वो देखा होगा आप लोगों ने, ड्राइंग रूम में कई लोग फायर प्लेस बना रखते हैं, ठंडी जगह पर लोग उसको परमानेंट बना रखते हैं ताकि रूम गर्म रह सके। तो उसी के ऊपर उसने एक फ़ोटो लगी हुई थी जो उनके ग्रांड फादर की थी, ग्रांड फादर उनके दादाजी की थी। इन द ड्राइंग रूम ही वोर अ बिग टर्मन, वो बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए थे। एंड लूज फिटेड क्लॉथ, उनके जो क्लॉथ थे वो लूज थे, ढीले ढाले कपड़े थे। हिज लॉन्ग और वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो चेस्ट तक कवर कर रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनका अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग उनकी एज 100 साल से कम नहीं लगेगी। ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन ही वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, उनकी एज ऐसी नहीं लगती थी कि जैसे उनके वाइफ और चिल्ड्रन बच्चे हों, बल्कि कैसी लगती थी, देखिए आगे लिखा हुआ है, ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखाई देते थे मानो, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि बहुत सारे उनके नाती पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की बात है, बींग यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी बहुत अच्छी जवान थी और बहुत सुंदर थी। द थाट्स वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मेरे हमेशा दिमाग में ये प्रश्न हमेशा शॉकिंग रहता था, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमेशा मुझको बताया करती थी हम लोगों को गेम्स, ऐसे खेलों के बारे में। सी यूज़ टू प्ले एज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, जब वो खेला करती थी, उन खेलों के बारे में वो बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्जर्व, वो बिल्कुल मुझे इलॉजिकल लगते थे, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, और मूर्खतापूर्ण भी लगता था। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेवर, और हम लोग उनको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो प्रोफेट्स जो है ना, पैगंबरों की कहानी सुनाई जाती हैं और वो ज़्यादातर झूठ होती हैं, जिन पर कोई भी विश्वास नहीं करता या उन पर कोई सत्यता नहीं होती, ऐसा मानते थे और उनको ऐसे, उनकी कहानियों को इसी प्रकार से हम लेते थे।
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. मैंने हमेशा जब कभी भी उनको देखा है, जब से देखा है, तो वो छोटी, थोड़ा सा मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई होती हैं, जैसे कि आप बुजुर्ग लोग झुक जाते हैं. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. आपने देखा होगा बूढ़ी लोगों के गालों में, माथों में एक लाइनिंग्स पड़ जाती हैं जो कहीं की कहीं पर जाती हैं और क्रॉस कर रही होती हैं, तो उन्हीं लाइन्स को जिक्र किया गया है चेहरे में. नो वी वर सर्टेन, नहीं हम, मैं, हम लोग बिल्कुल इस बात के लिए निश्चित हैं. सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम तो हमेशा ऐसे जानते हैं जैसे वो रही हैं, मतलब बूढ़ी रही हैं, ओल्ड. सो टेरिबल, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, ओल्ड. दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, शायद इससे ज़्यादा वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लग रहा है जैसे वो 20 सालों से एक ही एज पर टिकी हों, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन चेहरे में नहीं समझ में आता. सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी खूबसूरत रही होंगी. बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर रही होंगी. कहाँ से? इनर ब्यूटी की बात की गई यहाँ पर. सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. तो आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को, जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे, वो लोग जब चलते थे, वो उनके कपड़ा जो पहनावा होता था बिल्कुल वाइट कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे, और चलते थे तो या उठते समय वो अपने कमर में हाथ लगा लेते हैं. और उनकी जो दिनचर्या होती है उनमें ज़्यादातर वो क्या करते हैं, एक माला होता है, तुलसी माला बोलते हैं उसे, कंठी माला बोलते हैं, तो उसकी काउंटिंग करते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर. उनकी जो लॉक्स मिलता है, वैसे तो जूड़ा होता है या बालों की लट होती है, जो सिल्वर मीन्स जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, वो यहाँ वहाँ स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब सही से बंधे नहीं होते थे. अनटाइडली मीन्स बड़े ही उलझे तरीके से. ओवर हर पेल, उनके पीले पड़ गए जो चेहरा होता है उसमें खून की कमी हो जाती है, आप जानते हैं बूढ़े लोगों में, तो वो चेहरा पीला पड़ जाता है. पकड़ मीन्स जो चेहरा रिंकल्स पड़ जाना है, जिनमें चेहरे के गाल घुस जाते हैं, ऐसे चेहरे को पकड़ कहते हैं. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और जो उनके ओंट थे वो लगातार मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, वो एक ऐसी प्रेयर जिसे आप सुनाई नहीं दे सकते लेकिन उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं, वो करती रहती थी. यस सी वॉज ब्यूटीफुल, राइटर बोलते हैं वाकई वो बहुत सुंदर थी. सुंदर मतलब वो इंसान बहुत अच्छी थी, वो बहुत अंदर से बहुत ब्यूटीफुल थी. सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप. देखिए यहाँ पर सिमली का यूज किया गया है और एक जो हाइपरबोल भी है उसको भी यूज किया गया यहाँ पर. तो उन्होंने जैसे ठंड के समय पर माउंटेन्स में एक सफ़ेद सफ़ेद चादर ढक जाती है, तो उससे उन्होंने उसको सिम्बलाइज किया हुआ है. तो ऐसी दिखाई देती हैं, ऐसे ही सूद देती हैं वो हमको जब कभी हम देखते हैं. एन एक्सपेंस, और ऐसा जैसा वो फैली हों सब जगह पर. और प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मीन्स होता काम मीन्स शांति. जब उनको देखो तो बहुत ही सुकून मिलता है. ब्रीथिंग पीस, आप जब ऐसी जगह पर सांस लेते हो तो आपकी सांस लेने में बहुत ही जो सुकून फील होता है. एंड कंटेंटमेंट, और सेटिस्फेक्शन फील होता है. तो जब कभी भी हम दादी को महसूस करते हैं, देखते हैं, तो वो इसी तरह की करेक्टर हैं, वो इसी तरह की नागरिक हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे पिताजी बाहर जॉब करते थे तो उन्होंने हम लोगों को गांव में ही छोड़ रखा था. तो ज़्यादातर मेरा जो समय होता था वो दादी के साथ व्यतीत होता था. और वो काफ़ी दिन तक, मेरे माता पिता काफ़ी दिन तक शहर में रहे. She used to wake me up. जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझको जगाती थी इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझको स्कूल के लिए तैयार करती थी. सी सेट हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट. तो वो मुझे एक सुबह सुबह एक प्रेयर सुनाती थी. मोनोटोनस मीन्स होता है मुझे बोरिंग लगता था,
और जब वो नहाती थी या मुझे ड्रेस पहनाती थी, और उनको ये आशा होती थी कि मैं उनकी जो प्रेयर है वो उसको मैं याद कर लूँ बाय हार्ट, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता इसलिए था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट नेवर बॉदर्ड, लेकिन मैंने इस बात के लिए कभी भी चिंता नहीं की या कभी परेशान नहीं हुआ कि मैं उसको। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरे लिए मेरी जो वुडन स्लेट होती थी, लकड़ी से बनी हुई एक तख्ती होती थी, वो मेरे लिए लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जिसे वो पहले से ही साफ़ सुथरा की होती थी और उसमें पहले से ही पेंट की कर रखा होता था येलो चॉक से, ताकि उसमें लिखने में आसानी हो। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक मिट्टी से बनी हुई एक इंक पॉट होता था जिसमें रेड पेन भी बंधा रहता था। टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी, और वो पूरा पूरा एक मटेरियल होता था जो मेरे पढ़ाई से रिलेटेड होता था, और वो मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, तो क्या होता था जब ब्रेकफास्ट के बाद में वो क्या करती थी, एक बासी रोटी होती थी चपाती विथ ए लिटिल बटर, उसमें थोड़ा सा बटर लगा देती थी, उसमें शुगर मतलब चीनी उसमें मिला देती थी। और वी वेंट टू स्कूल, और तब हम लोग स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती, उसके साथ साथ वो कुछ और चपाती ले लेती थी, साथ में ले जाती थी। उसका रीज़न ये होता था कि वो क्या करती थी कि जो रास्ते में मिलते थे डॉग उनको खिलाती थी। देखिए लिखा है विथ हर फॉर द विलेज डॉग, तो उन कुत्तों को खिलाती थी, तो उनका एक विशेष लगाव था जानवरों से भी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी ग्रैंड मदर जो दादी थी वो मेरे साथ स्कूल हमेशा जाती थी। उसका एक रीज़न था क्योंकि मेरा स्कूल जस्ट बगल में था टेम्पल के, और उन्हें टेम्पल में रहना और वहाँ समय व्यतीत करना ज़्यादा पसंद आता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो वहाँ का प्रीस्ट था वही हमें स्कूल में भी पढ़ाते थे, तो वो हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे जो आप जानते हैं आ ई ई या ए बी सी डी जो भी है, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह सुबह हम लोगों को प्रेयर भी करवाते थे। वाइल द चिल्ड्रन, जिस समय बच्चे बैठे होते थे सेट इन रो लाइन पे बैठे होते थे, ऑन ईदर, ईदर भी होता है आइदर भी होता है तो इसमें कन्फ्यूज ना हो, मैं ईदर पढ़ता हूँ, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, तो हम लोग सब लोग एक साथ बैठ जाते थे, जैसे बचपन में होता है कि एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो एक साथ वो उच्चारण करते हैं, तो वही मेरे साथ हम लोगों के साथ में भी होता था। हम लोग वरांडा में जब प्रेयर होती थी प्रेयर के बाद में, तो इस तरह की चीज़ें आ ई ई ए बी सी डी ये जो भी है तो हम लोग पढ़ा करते थे कोरस में एक साथ बिल्कुल। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और वहीं जो मंदिर होता था तो मंदिर के अंदर मेरी दादी बैठ जाया करती थी, वो क्या करती थी जो पवित्र किताबें होती थी स्क्रिप्चर्स मीन्स पवित्र किताबें, वो उनको पढ़ा करती थी। व्हेन सी हैड बोथ फिनिश्ड, जब उनका भी पूजा समाप्त हो जाती थी और मेरा स्कूल समाप्त हो जाता था, तो हम लोग वापस आते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस, फिर से हमें वो डॉग मिलते थे जिन्हें दादी चपाती खिलाती थी, एट द टेम्पल डोर, वो टेम्पल के डोर पर ही वेट कर रहे होते थे कि उन्हें शायद इस बार भी कुछ खाने को मिल जाए। दे फॉलोड अस, वो हम लोगों को पीछे पीछे पीछा करते थे, मतलब पीछे पीछे आते थे टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, देखा होगा अगर कई सारे कुत्ते एक साथ होते हैं तो लड़ते हैं गुर्राते हैं एक दूसरे से, विथ ईच अदर फॉर द चपाती, चपाती के लिए वो लड़ते थे ऐसे गुर्राते थे। वी थ्रू देम, जो चपाती हम उनको खाने के लिए फेंकते थे। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, राइटर बोलते हैं कि जब मेरे माता पिता अच्छे से शहर में बस गए और उन्होंने अपना घर ले लिया, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर अस मीन्स होता बुला भेजना, तो उन्होंने हम लोगों को बुला लिया गाँव से। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, तो मेरे दादी के बीच में जो फ्रेंडशिप थी ये हमारा एक जिंदगी का नया टर्न था। ऑल द वी शेयर्ड, यद्यपि हम दोनों के दोनों द सेम रूम, मतलब हम लोग एक दूसरे मतलब एक ही कमरे में रहते थे, शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा दूर होता था, मुझे बसेस में या गाड़ी में जाना होता, देखिए लिखा हुआ है आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक इंग्लिश स्कूल पढ़ता था और मोटर बस में मुझे जाना होता था, तो अब मेरी दादी मेरे साथ नहीं जा पाती थी। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब रास्ते में डॉग्स भी नहीं होते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस,
तो अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि अब तो कुत्ते होते नहीं थे तो बाहर भी नहीं जा पाती थी, तो अब उन्होंने एक नया चीज़ शुरू किया कि गौरैयों को, जो पक्षी होता है, उसको कोर्ट यार्ड में मतलब आंगन में उनको दाने देना, उनको खिलाना, उन्होंने ये शुरू कर दिया उस शहर वाले घर में। एज द ईयर रोल्ड बाय, जैसे जैसे दिन बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, शुरुआत में तो कुछ दिनों तक उन्होंने मुझे सुबह सुबह जगाया और स्कूल के लिए तैयार भी किया। वेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, जब मैं वापस स्कूल से आता तो वो मुझसे प्रश्न करती, पूछती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे टीचर ने मुझको क्या पढ़ाया हुआ है। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता इंग्लिश वर्ड्स, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और मैं पश्चिम देश की जो साइंस है उसके बारे में बताता। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और बताता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है। आर्कनीज प्रिंसिपल, सिद्धांत, आर्कनीज के सिद्धांत बताता। द वर्ड्स बीइंग राउंड, और बताता संसार राउंड है या संसार में क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीज़ें सब कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा नाखुश करती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अब वो मेरे जितने भी चैप्टर्स होते थे उसमें हेल्प नहीं कर पाती थी पहले की तरह। तो चलिए ये लेसन जो पहला पार्ट था इसका यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा पार्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़े आसानी से मिल जाएगा, आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जाइएगा बहुत आसानी से, आपको इस लिंक पे जाइएगा और आपको सेकेंड पार्ट इसका मिल जाएगा।